रानीगंज में पंजाबी मोड़ सिख संगत कमेटी की ओर से मनाई गई शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती। उपस्थित रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बैनर्जी ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रानीगंज शहर के पंजाबी मोड़ के पास गुरुद्वारा सिख संगत की तरफ से शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक और ईडीडीए के चेयरमैन तापस बैनर्जी ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोगों ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर शहीद भगत सिंह को नमन किया। इसके साथ ही यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस मौके पर विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि महान क्रांतिकारी और देश की आजादी के लिए 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई और अंग्रेजों से डट कर सामना किया। देश के लिए कुर्बानी देने वाले भगत सिंह के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भगत सिंह देश के तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। भगत सिंह वो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने फांसी से ठीक पहले भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अंग्रेजों को चुनौती देने का काम किया था। महात्मा गांधी नेताजी हरालाल दत्तों भूमिराम बोस पीके लता लाला मदन मोहन यात्रा भगत सिंह उधम सिंह इन्हें अपने आभार देते हैं। इन किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। उन्होंने किया देश को आजाद करने के लिए उसका हर पल पल में हमारा जो देश को प्यार करता है वो लोग याद करते हैं। अच्छा ये इनकलाब जिंदाबाद उसका बहुत प्यारा स्लोगन था। बाद में इनकलाब जिंदाबाद को गलत तरह से इस्तेमाल किया गया लेकिन इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का प्यार देशवासी को मोटिवेट करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए सबके एक करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा प्रतिकृष्ण तत्व का नाम लिया। उनको तो शहीद हो गए प्रतिकृष्ण तत्व अंडमान जेल में थे। अंडमान जेल में बाद उसका कोई काम करने का काम का नहीं रहा। उसके बाद वो आकर पेपर में लिखने का काम शुरू किया। उसका शेष इच्छा था मालूम है क्या इच्छा था जहाँ तक मेरा जिंदगी चला जाएगा मेरे शरीर भगत सिंह को जहाँ बसे दफन किया गया हुआ बराबर से अंतिम क्या किया जाए। इस अवसर पर गुरुद्वारा सिख संगत के अध्यक्ष सरदार इंदर सिंह, रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष व पार्षद रुपेश यादव, फौज बेकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भरतिया, पार्षद मुजम्मल हुसैन, दयाशंकर राय, सदन सिंह समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিগত 37 বছর ধরে ফার্নিচার জগতে আপনাদের ভরসায় একটাই নাম, রাজেশ ফার্নিচার। এবার নবরূপে নবসাজে গণপতি ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পাবেন ফেলেক্স, সেলো, এসপিপিএল, কার্লন ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বাড়ি এবং অফিসের সমস্ত ফার্নিচার। এর সাথেই গণপতি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশালাইজে আছে স্টিল ডোমেস্টিক আলমিরা, স্টিল অফিস আলমিরা, অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটার্স চেয়ার, উডেন বেড, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফার্নিচার ও আরো অনেক কিছু। এর সঙ্গে গণপতি ফার্নিচারে পাবেন ইএমআই এর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন এনএসপি রোড, রানীগঞ্জ, আনন্দলোক বাস স্টপের নিকট। ফোন নম্বর 7602363191, 9333100564।